हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे पाइप और टंकी। पाइप और टंकी से क्वेश्चन बहुत डीपली आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर तो होता है लेकिन इससे क्वेश्चन जब पूछ देता है, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे कंपलसरी पूछता है। टाइम पाइप और टंकी से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो पाइप और टंकी कैसे यूज होता है, इसका कब यूज करते हैं, किस तरह इसका फंडा होता है, बहुत बेसिक से आज हम क्लियर कराएंगे आपको। और इसका कितने टाइप बनते हैं सब टाइप आपको क्लियर कराऊंगा, जितने टाइप के बनते हैं सब टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो एंड तक देखिएगा जरूर और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों टाइप एंड वर्क क्लास, आप टाइम एंड वर्क आप नहीं देखे होंगे क्लास, तो टाइम एंड वर्क क्लास आप जाके देख लीजिएगा, ऊपर आइकन पे लग गया है, वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, चैनल प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप टाइम एंड वर्क, कार्य और समय अगर आप अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, 100% आप समझ लिए हैं, तो आपका पाइप और टंकी 100 में से 50 60 70% तक आपका क्लियर हो गया है। किस चैप्टर से? तो टाइम एंड वर्क से। तो आइए देखिए कैसे टाइम एंड वर्क वाले लेके चलते हैं, समझिएगा। मानिए ये कोई व्यक्ति ये है, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, वही व्यक्ति भी किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो क्वेश्चन बनता है क्या कि दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग टाइम एंड वर्क में इन दोनों का एलसीएम निकालते थे, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा। ठीक है, अब ए का 1 दिन की कार्य करने की हम क्षमता निकालते थे, एन निकालते थे, टोटल कार्य आ गया, ये टोटल वर्क आ गया 20। ठीक है, ए 10 दिन में 20 कार्य करता है, बी 20 दिन में 20 कार्य करता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, तो इससे डिवाइड कर देते थे तो 2, बी 1 दिन में कितना काम करेगा तो 1। ये तो बात क्लियर हो गया था कि एक एक दिन की क्षमता, मतलब ए 1 दिन में 2 कार्य कर सकता है और बी 1 दिन में 1 कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों मिल के दोस्तों 1 दिन में कितने कार्य करेंगे, तो 3 कार्य करेंगे। ठीक है, दोनों मिल के 1 दिन में 3 कार्य करेंगे और टोटल कार्य आपका 20 है, तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे, तो 20 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 20 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, आ जाएगा डेज 6 × 2/3 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डेज में। तो क्या कि ये तो आपको कंफर्म हो गया, टाइम एंड वर्क कंफर्म हो गया। अब आइए इसी पे पाइप एंड टंकी वाला रूल इसी पे लागू हो जाएगा। बस हम क्या करेंगे, ए व्यक्ति माने थे, हम इसको क्या मानेंगे, इसको पाइप ए और पाइप बी मानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ए ए पाइप है, किसी टंकी को 10 दिन में 10 घंटे में भरता है। ठीक है, ए पाइप है, किसी टंकी को 10 आवर्स में भरता है, बी पाइप किसी टंकी को 20 आवर्स में भरता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 20 होगा, ये आपका हो जाएगा टंकी की कैपेसिटी, मतलब उस टंकी में कितने लीटर पानी आएंगे। ठीक है, तो 20 लीटर पानी आएंगे। यहां तक तो बात क्लियर। ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी एक टंकी को 20 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम 20 आ गया। ये 20 जो आया है, ये आया है टंकी की कैपेसिटी, की एक टंकी में कितने लीटर पानी आएंगे, ये बात देखिएगा। तो ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, 2 लीटर भरेगा ना, 10 घंटे में 20 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। ठीक है,
तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर देते हैं? 3 लीटर पानी भर देते हैं टंकी में। दोनों मिल के 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देते हैं। टोटल पानी भरना है 20 लीटर, कितने घंटा समय लगेगा? तो इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 6 × 2/3 आवर्स का समय लगेगा। टाइम एंड वर्क था उसी पे पाइप एंड टंकी क्लियर। अब देखिएगा कंफ्यूजन वहां क्रिएट होता है बहुत ज्यादा कि एक पाइप टंकी को भर रहा है और एक पाइप टंकी में से पानी को निकाल रहा है। ठीक है, तो एक पाइप टंकी को भर रहा है, एक पाइप टंकी में से पानी को निकाल रहा है। इसी पे देखिएगा, मान लीजिए आप देखिएगा भरने और निकालने वाले का सेंस बढ़िया समझिएगा। मान लीजिए ए पाइप है, 10 घंटे में एक टंकी को भर देता है, ये भरता है, और बी पाइप जो है 20 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, ए पाइप 10 घंटे में उस टंकी को भर देता है, बी पाइप 10 घंटे में उस टंकी को खाली कर देता है, दोनों का एलसीएम 20 आया। आप देखिएगा ए 1 घंटे में उस टंकी में कितने लीटर पानी भरेगा? 2 लीटर। 10 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है और तो टंकी में 2 लीटर भरेगा, और जब भरता है तो ये आपका प्लस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यही आपका मेन फंडा है कि जब पानी भरा जाता है तो प्लस होता है। बी टंकी को खाली करता है, 20 घंटे में 20 लीटर पानी खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा? तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगा, ये होगा आपका माइनस। ठीक है, बस ये फंडा रखना है कि जब खाली होता है तो माइनस लगता है और जब पानी भरा जाता है तो प्लस लगता है, इसी पे खेल खत्म। तो देखिएगा अब दोनों मिल के 1 घंटे में कितने पानी भरेंगे, तो क्या करेंगे, 2 + −1 करेंगे क्योंकि माइनस है, तो 1 लीटर। दोनों मिल के 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर देते हैं जब बी निकालता है पानी और ए क्या करता है, भरता है। तब तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरते हैं तो कितना समय लगेगा? 20 लीटर की टंकी है, 20 लीटर उसमें पानी भरना है, तो 20 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 20 आवर्स का समय लगेगा। यहां तक बात क्लियर? जब भरता है तो प्लस और जब निकालता है तो माइनस करते हैं, यहां तक क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन देखिएगा। तो आइएगा दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन, एकदम आराम से देखिएगा, समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा क्योंकि बेसिक है। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में समय लगेगा, कितना लगेगा? ध्यान से देखिएगा, ए कितने मिनट में भरता है, तो यहाँ पे लीजिए, चलिए यहाँ से ले लेते हैं ए बी। ठीक है, ए टंकी को भरता है कितने मिनट में दोस्तों? 20 मिनट में। बी उसी टंकी को भरता है 30 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 60। और जो ये 60 है ये क्या है? टंकी की कैपेसिटी है, मतलब टंकी में 60 लीटर पानी भरा जाता है, टोटल पानी, तो ये कुल पानी है। ठीक है, टंकी में कुल 60 लीटर पानी है, टंकी की कैपेसिटी क्या है, 60 लीटर है। इस 60 लीटर को ए 20 मिनट में भरता है और इसी 60 लीटर को बी 30 मिनट में भरता है। अब क्या करेंगे, पीछे वाला में देखे ही हैं, तो ए 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? तो 1 मिनट में दोस्तों कितना लीटर भरेगा? तो 20 × 60, 3 लीटर भरेगा। बी 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? तो 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर भरेगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे? 3 + 2 = 5 लीटर। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 60 लीटर पानी को कितने मिनट में भरेंगे? ये कुल पानी है तो डिवाइड इससे हम कर देंगे, तो 60 / 5, 12 × 25 = 60, 5 मिनट, 12 मिनट आपका आंसर बी सही होगा। तो ये बात तो क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट टू बी टाइप है। तो आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टाइप है और आपको पता है कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जितने टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व किया जाए, देखिएगा मान लीजिए ए टंकी है, ए पाइप है, मान लीजिए पाइप ए है वो टंकी को भरता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, और पाइप बी जो दूसरी पाइप है 4 घंटे में खाली करता है। तो मान लीजिए पाइप बी है ये खाली करता है 4 घंटे में, ये भरता है ये खाली करता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। मतलब ये 20 क्या है, टंकी की कैपेसिटी है, टंकी की टोटल क्षमता है, 20 लीटर पानी उस टंकी में आता है। अब देखिएगा ए 5 घंटे में 20 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर, ये आपका प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भर रहा है। ये 4 घंटे में 20 लीटर पानी खम निकाल देता है, बाहर कर देता है, मतलब निकालता है, खाली करता है, तो 20 लीटर पानी को कितने घंटे में खाली करेगा, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा, 4 घंटे में 20 लीटर करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 4 × 25 5 लीटर, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी खाली कितने घंटे में होगी, तो -5 + 4 = -1, ये दर्शा रहा है -1 कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी से निकाला जाएगा, 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी से खाली होगा। तो 20 लीटर पानी कितने घंटे में होगा, तो 20/1 = 20 आवर्स, 20 आवर्स आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका 4-5 टाइप जितने टाइप का क्वेश्चन बनता है कराऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर बच्चे के पास पहुँचे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो अगर पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो मिस नहीं होगा। और हाँ, जब नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि 3-4 वीडियो का ही नोटिफिकेशन मिलता है, अधिक का नहीं मिलता है, तो जिस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता आप चैनल पर आके देख लीजिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।